हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संत कुमार सोनी। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो सो गाइस, मैं आपको आज ले आया हूँ, नहीं मैं खुद आया हूँ यार। आपको कहाँ लेके आया हूँ? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ा। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ पहाड़ी। पहाड़ी में आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत पहाड़ी है, और जो बालाघाट क्षेत्र है पूरा जंगलों से घिरा हुआ है। जंगलों से यहाँ की खूबसूरती है सिर्फ जंगल। और आप जब भी आए तो यहाँ पे घूम सकते हो। जंगल का एक ऐसा मतलब लोकेशन, मतलब बहुत अच्छा लगता है, और कभी भी आप जंगल घूमने जा सकते हो। और शहरों में रहने वाले तो आप देखते हो कि जंगल की चीज़ें कितनी अच्छी अच्छी रहती है, इवन बहुत सारी चीज़ें देखने मिलती है। और आपको मैं बचपन की यादें दिलाता हूँ। बचपन की यादें कैसे? मीन्स आप बचपन में जब मम्मी पापा को देखते रहे होंगे कि वो एरोनी ले आते थे, पता है आपको? इसे कहते हैं एरोनी। ये देखिए, मैं आपको एरोनी दिखाता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी ये एरोनी कहते हैं इसको। ये अभी पकी नहीं है, मैं इसी को खाने के लिए आया था यहाँ पे, लेकिन ये पकी नहीं है। लेकिन इसे पकने के लिए कम से कम अभी 20 दिन का समय लगेगा, तो मैं कच्ची खाऊंगा नहीं, क्योंकि खांसी हो जाएगी। थोड़ा भी ट्राई करूंगा, दो चार, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी खट्टी होती है, मीठी होती है और बहुत अच्छी टेस्टी रहती है। बाजारों में बिकने भी आती है, और छोटे छोटे जो व्यवसाय वाले जो लोग हैं उसे गांव के, तो वो सारी चीज़ें इसको लेके बेच के शहरों में लेके जाते हैं, और आप उनके पास से खरीदते तो इसका एक खट्टा मीठा जो स्वाद है बहुत अच्छा रहता है। अच्छा। और बचपन में हम बहुत खाया करते थे। इसका कलर जो होता है जामुनी कलर का होता है, और पकने पे बहुत ही मीठी लगती है। तो सो गाइस, आप मैं इसी को खाने के लिए यहाँ पे आया था, इस एरोनी को। एरोनी कहा जाता है इसको, और कुछ थोड़ा बहुत काम भी है। तो सो गाइस, मैं आपके साथ में सारी चीज़ शेयर करने वाला हूँ। और मेरा एक दोस्त, मेरा भाई कहाँ गया, वो है कुछ डगालियाँ काट रहा है, कुछ टहनियाँ काट रहा है कुछ काम की वजह से। तो सो गाइस, वो भी दिखाऊंगा आपको। और आप बताइए गाइस, इस एरोनी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इसे क्या कहते हैं, एरोनी? इस एरोनी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? किस किसने खाया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कमेंट करके मुझे बताओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो जो एरोनी पक जाएगी, मतलब जो ये भरपूर पक जाएगी, उसके बाद में मैं एक वीडियो फिर बनाऊंगा आप लोगों के लिए। और किस तरह की ये दिखती है, जामुनी कलर की, और कितनी खट्टी मीठी लगती है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करने वाला। तो सो गाइस, ये खूबसूरत वादियाँ बहुत ही अच्छी लग रही है। और मेरा भाई कहाँ चला गया? सो गाइस, मैं उसको देख के आता हूँ, क्योंकि हम दो ही आए हैं जंगल में, संदीप बांगरे और संत कुमार सोनी, आपके साथ में सारी चीज़ें शेयर करने वाले। तो इस पेड़ को काटना है, मतलब काटना नहीं है, थोड़ी टहलियाँ जो है थोड़ी नीचे करनी है। You serious? सो गाइस, फाइनली भाई मिल चली गए। तो गाइस, आप देख सकते हो हमारे भाई साहब जंगल में जो है टहलियाँ काट रहे हैं कुछ आवश्यक चीज़ों के लिए, और देख सकते हो आप बहुत गुस्सा है, शायद इनको लग चुका है थोड़ा बहुत। और ये हाथ में कुल्हाड़ी है, पूरी सेफ्टी के साथ में आए हैं, और देख सकते हैं इनके शूज, देख सकते हो आप बिना मतलब सॉक्स के शूज पहन के आए, देख सकते हो गाइस। कुछ भी ये बंदा इतना स्ट्रगल कर रहा है कि मतलब आज पूरी डगाले जो कहते हैं ना, उसको टहलियाँ पूरे लेके जाने वाला है। ओ माय गॉड, अति गरीब इंसान, ये देखो कितनी गरीबी आ चुकी है भाई को, ओ माय गॉड। तो सो गाइस, सारी चीज़ें शेयर करने वाले हैं आपको, और इन्होंने क्या बोला है आप लोग के लिए, क्या बोलना चाहते हो हमारे ऑडियंस के लिए? आप आकर कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हो आप जंगल में आके? गजब बेइज्जती है।